अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वंस अगेन मैं आपका होस्ट मज़र इकबाल एंड यू आर वाचिंग द किंगडम ऑफ द वैरियर। दोस्तों आज की वीडियो स्कैंडिनेविया वाइकिंग की तारीख के ऊपर हमारी आखिरी किस्त है। दोस्तों जितने भी वाइकिंग थे इसमें कोई शक नहीं कि वो वहशी जंगजू बहादुर लड़ाके अनपढ़ और जंगली खूनखार थे। उन्होंने पूरे यूरोप को पूरे इंग्लैंड को तबाह बर्बाद कर दिया था सिवाय स्पेन के इंदलेस के। दोस्तों इस आखिरी किस्त में हम ये बयान करेंगे कि किस तरह वाइकिंग और मुसलमानों के जो दरमियान ताल्लुकात थे वो खुशगवार बन गए थे। वाइकिंग और मुसलमानों के दरमियान अच्छे ताल्लुकात की ज़्यादा और बढ़ने की क्या वजह थी कि उनके ताल्लुकात आपस में अच्छे बन गए थे। हालांकि वाइकिंग जंगली और जाहिल थे। वाइकिंग का वस्ती एशिया में मुसलमानों के साथ पहली मरतबा किस तरह वास्ता पड़ा, उस दौरान वाइकिंग एज में इस्लामी करेंसी की क्या हैसियत थी, कब वाइकिंग ने मुसलमानों के साथ तिजारत शुरू की और तिजारती ताल्लुकात बढ़ाए, और मैं सारी मतलब डिटेल के साथ आपको बताऊंगा कि किस तरह पहले इन्होंने मुसलमानों के ऊपर हमले किए थे लेकिन बाद में तिजारत मुसलमानों की करेंसी की वजह से इनके ताल्लुकात बेहतर बन गए थे। दोस्तों वाइकिंग किराए के फौजी थे, फिर वो कैसे इस्लाम में दाखिल हो गए और एक शांत किस्म के लोग बन गए। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही अहम होने जा रही है। इस वीडियो में आपको दो बड़ी वजूहात भी बताऊंगा जिसकी वजह से इनके दरमियान ताल्लुकात मतलब वाइकिंग और मुस्लिम्स के दरमियान जंग की बजाय हालात अच्छे बन गए थे, उनके ताल्लुकात खुशगवार बन गए थे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर हमारी सीरीज और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। वॉच फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाइक दिस। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट एनी डिले। सो वेलकम बैक दोस्तों। वाइकिंग 8वीं सदी से लेकर 12वीं सदी ईस्वी तक सरगर्म रहे और उन्होंने इंदलेस यानी मुस्लिम स्पेस को छोड़कर पूरे यूरोप को अपने हमलों का निशाना बनाए रखा। ये माहिर जहाजरान थे और मजबूत कश्तियां बनाने में माहिर थे। इस हुनर ने भी उन्हें एक बड़ी जंगी कुवत बनाने में एक अहम किरदार अदा किया। दोस्तों 1000 ईस्वी में वाइकिंग मुहिम जो अपने कायद एफ लार्सन की जेर क्यादत बहरी जहाजों पर सफर करते हुए शुमाली अमेरिका पहुंच गए। गोया उन्होंने क्रिस्टोफर कोलंबस से भी 500 साल पहले ही शुमाली अमेरिका को दरियाफ्त कर लिया था। दोस्तों दिलचस्प बात यह है के जमाने कदीम में मुसलमानों और वाइकिंग के दरमियान हालात जो उनके ताल्लुकात थे वो खुशगवार बन गए थे। उन्होंने इब्तदा ही में मुसलमानों पर हमले जरूर किए लेकिन ये महदूद नौईत के थे। जल्दी जब वाइकिंगों और मुसलमानों के लिए तिजारती ताल्लुकात कायम हुए तो एक दूसरे पर हमले करने का सिलसिला उन्होंने ख़त्म कर दिया। वाइकिंगों और मुसलमानों का मेल मिलाप बढ़ने की दो बड़ी वजूहत थी। दोस्तों अव्वल ये कि वाइकिंग नाम के ईसाई थे, उनका बुनियादी पेशा लूट मार करना था, लिहाजा वो वक्तन फोक्तन किसी भी यूरोपीय मुल्क पर जलगाल करते और वहां के बाशिंदों का माल और असबाब लूट कर चले जाते थे। शार्लेमान यूरोप का मशहूर शहंशाह गुजरा है, वो सारी उम्र वाइकिंगों से मतलब लड़ता रहा है। यूरोपीय मोरखीन लिखते हैं कि जब वो बूढ़ा हो गया तो वो अक्सर ये सोचकर रोता था कि मेरी मौत के बाद मेरे इन जानशीनों का क्या बनेगा। वाइकिंग उनके साथ पता नहीं किस तरह का जालमाना रवैया रखते हैं और किस तरह का वो सलूक करेंगे। और दूसरी वजह यह कि वाइकिंगों का जो भी लूटा हुआ सामान था, जो भी वाइकिंग सामान लूट कर आते थे वो अक्सर गोदामों में पड़ा रहता, सड़ता रहता। जब वाइकिंग ने इंदलेस और वस्ती एशिया पर हमले किए तो पहली मरतबा उनका वास्ता मुसलमानों से पड़ा। इस जमाने में आलम इस्लाम मुआशी मुशरती तहजीबी सकाती लिहाज से अरूज पर था। इंदलेस से लेकर हिंदुस्तान तक बिलमूम मुसलमान तरक्की याफ्ता और खुशहाल जिंदगियां बसर कर रहे थे। उनके पास वाफिर रकम मौजूद थी। वैसे भी इस्लामी करंसी दरहम और दिनार तब बैन अल-अक़वामी करंसी की हैसियत रखते थे। इन तमाम अवामिल के पास आलम इस्लाम एक बहुत बड़ी तजारती मंडी की शक्ल इख्तियार कर गया था। इसी मंडी में जहाँ दुनिया के कोने कोने से हर नस्ल मजहब के लोग आकर अपना माल बेचा करते थे। दोस्तों वाइकिंग भी जल्द ही एहसास हो गया वाइकिंग को कि वो यूरोपीय ममालिक में लूट मार से इकट्ठा किया गया अपना माल अच्छे दामों इस्लामी मंडी में फरोख्त कर सकते हैं, लिहाजा फिर वो माल के बदले माल खरीद फरोख्त के असूल पर भी यकीन रखते थे जिसका इस्लामी ममालिक में बहुत चलन था। चुनाचा उन्होंने इस्लामी इलाकों पर हमला करना छोड़ दिया और मुसलमानों से तिजारत शुरू कर दी। 9वीं सदी ईस्वी तक दरहम और दिनार दुनिया की मतलूब तरीन करेंसी बन चुके थे। वाइकिंग उन्हें हासिल करने की खातिर बेताब रहे, वो अपना माल इस्लामी मंडियों में बेचने और इस्लामी सिक्के हासिल कर लेते और इन्हीं चीज़ों के बाद वाइकिंग दौर तवील अरसे तक जारी रहा और उन्होंने अरूज पाया, मतलब वाइकिंग ने अरूज पाया। 10वीं सदी से लेकर 12वीं सदी ईस्वी तक इस्लामी सिक्के वाइकिंग के इलाके में सबसे कीमती करेंसी बने रहे। दोस्तों इसी बयान से आया होता है कि वाइकिंग अपना माल असबाब इस्लामी शहरों में बेचकर इस्लामी
सिक्के पाते और फिर उस मुस्लिम करेंसी से अपने अखराजात पूरे किया करते थे। दोस्तों इस्लामी मंडियों में वाइकिंग की जो चीज़ें लाई हुई होती थी उसमें खाल होती थी, चमड़े का सामान होता था, मछली होती थी, शहद होता था और इस किस्म की दूसरी चीज़ें भी थी और इन चीज़ों की मांग थी। कम से कम 300 साल के तवील मेल मिलाप की वजह से वाइकिंगों और मुसलमानों के माबैन करीबी ताल्लुकात कायम हो गए। वाइकिंग किराए की फौजी भी थे, यही वजह थी कि खसूसन इंग्लैंड में कई हुक्मरानों ने वाइकिंग को अपनी फौज में भर्ती किया और ये वाइकिंग मुसलमानों की जानब से हिस्पानवी ईसाई फौजियों के खिलाफ लड़े भी थे। मुसलमानों के साथ मिलकर ये हिस्पानवी लोगों के खिलाफ लड़े थे और ये यकीन है कि बहुत सारे वाइकिंग ने इस्लाम भी कबूल कर लिया। इस वक्त दुनिया में इस्लाम का तोती बोल रहा था। मुमकिन है कि कुछ वाइकिंग मादी फवायद पाने की खातिर मुसलमान हुए हों, लेकिन यकीनन कई वाइकिंग ने दीन इलाही की हकानियत और मुसलमानों के आला किरदार से मुतासर होकर भी इस्लाम कबूल किया होगा। यही वजह है कि आज भी वाइकिंग की बस्तियों के खंडरात और आसार कदीमा से दरहम और ऐसी अशिया बरामद होती हैं जिन पर अल्लाह ताला के नाम लिखे होते हैं, कलमा तैयबा लिखा होता है और दीगर इस्लामी अल्फाज नक्श होते हैं। दोस्तों वाइट सुप्रीमास्ट ये एक अंग्रेज़ों का एक कबीला है, मतलब अंग्रेज़ों की ये एक कैटेगरी है। ये नहीं मानते कि वाइकिंग इस्लाम के साथ अच्छे थे या वाइकिंग ने इस्लाम कबूल किया था। दोस्तों ने ये थी आज की वीडियो आखिरी किस्त थी वाइकिंग के ऊपर और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दी और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दी वॉच फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाइक दिस। मिलते हैं एक नई सीरीज में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।